वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी अपडेट शेयर करना चाहूँगी जो मैंने लास्ट वीक एक गावा प्लांट की प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी कि अब आप एक वीक के बाद आप इसके रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि गावा प्लांट की हम फेबररी या मार्च में अच्छी तरह से अगर प्रूनिंग कर दें तो उसके बाद उस पर किस तरह से जो है उसकी शाखें निकलती हैं और उस पर फ्रूटिंग होती है, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से हमने प्रूनिंग की थी, ये यहाँ से ये सॉफ्ट प्रूनिंग का जो मेथड आपको सिखाया था, अब आप देख सकते हैं कि नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। एक ब्रांच काटने से यहाँ पे दो तीन शाखें इस तरह से निकलना शुरू हो गई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि साथ ही साथ फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये इसका फ्रूट है और ऑलमोस्ट पहले से ज़्यादा और काफ़ी अच्छा इसका हेल्दी फ्रूट आएगा। ये अगर मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखाऊं तो आपको ये बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी लग रही होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब मौसम शुरू होता है बाहर का तो खुद ब खुद अगर आपने पौधा अपना या दरख्त प्रून कर दिया है तो उसके बाद उसकी जगह जगह से नई शाखें इस तरह से निकलती हैं। ये आप चेक कीजिए ज़रा, ये इस तरह से यहाँ से देखें कितनी सारी टहनियाँ निकल रही हैं, यहाँ से भी शाखें निकल रही हैं। और फ्रूट अगर आप देखेंगे तो हर टहनी पर फ्रूट लगा है। इससे पहले तीन से चार फ्रूट लगते थे, इतने कोई ख़ास फ्रूट नहीं लगते थे, हेल्दी होते थे लेकिन बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हर जहाँ जहाँ से हमने प्रून किया था वहाँ से हर जगह से जो है इसके फ्रूट लगना शुरू हो गए हैं, ये देखें। लेकिन अब हम इसको पानी कम देंगे